हेलो दोस्तों, अगर आपको रिपब्लिक डे पर मंच संचालन करना हो, भाषण देना हो, तो हमने खूबसूरत ढंग से मैनेज की हुई है, ईबुक लॉन्च की है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर 150 रुपए गूगल पे या फोन पे करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट भेज दें, हमें व्हाट्सएप पर स्क्रिप्ट मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, 26 जनवरी पर आपने मंच संचालन करना है तो विधिवत शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी और उससे आगे का पार्ट मैं बताता हूँ कि किस तरह से तिरंगा फहराने के लिए अतिथि को आमंत्रित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तिरंगा फहराएं। जब तक वह मंच पर आते हैं, आप एक शायरी बोलिए। आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाएं, आपसी वैर भाव मिटाकर एक दूसरे को गले लगाएं। आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाएं, आपसी वैर भाव मिटाकर एक दूसरे को गले लगाएं। आओ मिलकर वंदे मातरम की गूंज के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तिरंगा फहराएं। राष्ट्रगान होगा, इसी के साथ सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए राष्ट्रगान करेंगे। मिलकर आपस में स्नेह स्पंदन करते हैं, मौन वाणी से हृदय में गुंजन करते हैं। संकल्प कृत हो भव राष्ट्र के लिए, तिरंगे को नमन करके राष्ट्र वंदन करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही राष्ट्रगान हो जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, उसके बाद शायरी बोलिए। वतन के लिए जीने वालों को भारत भूमि पर जन्नत मिलती है, जब तिरंगा हाथ में होता है तो हिम्मत मिलती है। एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि के पधारने पर हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन अनूठी अनुभूति से भरा है। आपसी सहयोग और प्रेम की ऊर्जा से लबालब भरे युवाओं, बड़े बुजुर्गों, ग्रामवासियों और अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति गणतंत्र के इस पावन मंच को शोभावान करेगी। फूलों पर भंवरों की गुंजन हो, शहीदों की स्मृति में वंदन हो, सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका, इस शुभ वेला पर सबका अभिनंदन हो। प्रांगण में जितने माननीय मित्र, अतिथि, युवा, मातृशक्ति पधारे हैं, सबका करबद्ध अभिवादन करते हैं। इसी के साथ अभी परम खुशी के क्षण आ चुके हैं, एक बार हम तालियों की पुष्प वर्षा करेंगे। फिर कई जगह अतिथियों का आदर अलग से होता है, अभिनंदन होता है, पगड़ी पहनाते हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सत्कार करते हैं। आपने यहाँ पधार कर हमारे जीवन के पलों को पावन किया है, हमारे शुभ कार्य मिशन को गति प्रदान की है। आदर सत्कार की संस्कृति को उज्ज्वल करते हुए हमारे शिक्षक प्रिंसिपल से आग्रह करूंगा कि अनुकरणीय और अनुपम व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्य अतिथि के मस्तक पर तिलक लगाकर सम्मान और नेतृत्व की प्रतीक पगड़ी पहनाएं। अतिथि के लिए बोलिए, श्री जी ने अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व की बुनियाद पर समाज में विश्वास की इमारत खड़ी की है, जनता में अनूठी पहचान बनाई है। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। फिर उसके बाद दीप प्रज्वलन होता है। इस कार्यक्रम की प्रयोजन सिद्धि के लिए विद्या और कला की देवी माँ शारदा के आगे दीप प्रज्वलन होगा। अभिवादन हो आप सबका, देश प्रेम की कोई नज़म सुनाते हैं, माँ सरस्वती के आगे दीप जलाकर आओ गणतंत्र का पावन पर्व मनाते हैं। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और ज्ञान की इस ज्योति को प्रज्वलित करें। आओ इस चिन्मय ज्योति के साथ एक हो जाएं, ताकि सबके भीतर का अंधेरा मिट जाए, सबके जीवन में ज्ञान के प्रकाश का अनुभव हो। माँ शारदे के आशीर्वाद से हम जलते हुए चिराग बने, जहाँ जहाँ पहुँचे अंधेरा दूर हो। हम सभी उस अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति को याद करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि हमें यह सुंदर जीवन मिला। परमपिता परमात्मा का, सृष्टि का, संविधान के संस्थापकों, आज़ादी के फरिश्तों का हम धन्यवाद करें, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। सच में गणतंत्र दिवस का उत्सव हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है, इस दिन हम संप्रभु बने। इसी कड़ी के चलते विद्या और कला की देवी माँ शारदा की वंदना के लिए हमारे विद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करूँगा कि वो मंच पर आएँ और माँ शारदा की वंदना प्रस्तुत करें। इसके बाद वंदना प्रस्तुति होगी और समाप्ति के बाद फिर शायरी बोलिए। जन जन में उमंग उल्लास हो, हर मन में समृद्धि का वास हो, सृष्टि में गूंजे राग बसंत, माँ सरस्वती की दुआएं सबके साथ हों। तो दोस्तों, इस तरह से आप संचालन कीजिए, फिर उसके बाद स्वागत गीत के लिए बुलाइए। और अगर आपको ये स्क्रिप्ट पूरी डिटेल में चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर 150 रुपए गूगल पे या फोन पे करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट भेज दें, हमें व्हाट्सएप पर स्क्रिप्ट मिल जाएगी।